चैनल, कैसे हो आप लोग। तो निकॉन की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। जो लोग निकॉन कैमरास में इन्वेस्ट किया है या करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, क्योंकि निकॉन ने लॉन्च कर दिया है अपना निकॉन का Z6 III। देखो, ये निकॉन की तरफ से लेटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा है जो लॉन्च किया है। और वैसे निकॉन Z6 और Z6 II से तो उतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम कैमरा था। सिर्फ Z6 में सिंगल कैमरा कार्ड स्लॉट था, Z6 II में डुअल कार्ड स्लॉट था, बस इतना ही था। और वो एक ही कैमरा हुआ करता था, सिर्फ ये लोग ने स्लॉट्स दो दे देते Z6 II में। तो वो लोग ने कुछ अपडेट नहीं किया था इतना भी कि आप एक्साइटेड हो सको या कुछ अलग से फीचर्स आ सके जो Z6 और Z6 II में थे। लेकिन Z6 III के साथ ये लोग ने कुछ अलग कर दिया है। तो पहले मैं आपको इसके स्पेक्स बताता हूँ। तो ये एक 24 मेगापिक्सल का पार्शली स्टैक्ड सेंसर है। देखो, स्टैक सेंसर ये होता है जो बहुत ही फास्ट फोटो खींच सकता है। स्पेशली इसका जो स्टैक सेंसर का फ़ायदा जो है, वो आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स में होता है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, जब कोई क्रिकेट खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, अगर स्टैक सेंसर नहीं है तो जो बॉल बैट जो भी है उस वो थोड़ा बेंडिंग टाइप इफेक्ट आता है। मान लो बैडमिंटन खेल रहा है, जब कोई जोर से मारता है तो वो बैट फास्ट इतना मारता है तो बैट थोड़ा ऐसा फोल्ड बेंड टाइप दिखता है। तो स्टैक सेंसर में ये सब नहीं दिखता, क्योंकि इसका रीड राइट स्पीड एकदम फास्ट रहता है। तो यहाँ पे Z6 III के साथ ये लोग ने एक स्टैक सेंसर दिया है जो किसी ने सोचा नहीं था। और पार्शियली स्टैक्ड है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका रीड जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। और ये बहुत हद तक ये जो जेली इफेक्ट है वो नहीं होता है इस कैमरा के फोटोज़ में। दूसरी बात इस कैमरा की ये है, ये 14 फ्रेम्स पर सेकेंड मैकेनिकल शटर में खींचता है, 20 फ्रेम्स इलेक्ट्रॉनिक शटर में, और अप टू 1000 रॉ फाइल्स, जिसके बाद उसका बफर फुल हो जाता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है जो स्टार्टिंग लाइनअप में निकॉन ने दे दिया है। सो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इज़ वेरी गुड, 14 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देखो क्या है कि जो पर सेकेंड है, स्पेशली स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स, फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, ये लोग के लिए बहुत फ़ायदा होता है जब ज़्यादा फ्रेम्स खींच सकते हैं, तो क्योंकि वो लोग मिस नहीं कर सकते कुछ क्रूशल मोमेंट्स। इसके अलावा ये 60 फ्रेम्स पर सेकेंड JPEG इन फुल रेजोल्यूशन खींचता है और 120 फ्रेम्स विद APS-C रेशियो में खींचता है। फिर इसमें 8 स्टॉप का इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है जो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत स्टेबल फुटेज आने वाला है इसका। 5.76 मिलियन का डॉट का EVF है विथ वेरी हाई ब्राइटनेस। देखो, मैंने सुना है कि इसका जो स्क्रीन होने वाला है, जो पीछे का जहाँ पे अभी आप देखते हो, वो सबसे ब्राइटेस्ट है एज ऑफ डेट इन एनी ऑफ द मिररलेस कैमरा। तो ये मैंने इसका इंफॉर्मेशन भी आ चुका है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्क्रीन है ऑफ एनी मिररलेस कैमरा। फिर ये इसका जो वीडियो कैपेबिलिटीज है ये भी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट ये 6K एट 60p रॉ वीडियो खींचता है और 6K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में प्रो रेस रॉ खींचता है। देखो, तो ये 6K का अप टू 6K के वीडियो खींच सकता है कैमरा। फिर इसमें 5.4K का 60p H265 का, ये 5.4K के भी वीडियो खींच सकता है एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसमें प्री बर्स्ट कैप्चर मोड है, पिक्सल शिफ्ट हाई रेज मोड है। तो ये जो प्री बर्स्ट कैप्चर मोड, ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे ये सोनी के A9 III का फीचर है जो निकॉन के Z6 III में आ रहा है। देखो, Z6 III करीबन 2.5-3 लैक्स के आसपास आने वाला है कैमरा प्राइस, बट
इट इज वर्थ इट, क्योंकि Z63 इज वेरी क्लोज टू Z8 एंड Z9। ये Z62 और Z6 के आसपास का कैमरा नहीं है, इसमें फीचर्स इतना है कि यह ऑलमोस्ट Z8 बन चुका है। तो ये कैमरा डेफिनेटली इज अ मस्ट बाय। इस कैमरा के रेंज में आपको सोनी में A74 आता है और कैनन में R6 आता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड केपेबल कैमरा। अगर आप कैनन और सोनी के कैमरा एकदम टॉप 90 में काउंट करते हो, जैसे कि A74 और R62, तो ये ऑलमोस्ट 80% आ चुका है कैमरा निकॉन का उस लेवल पे। देखो ऑटो फोकस का जो Z8 का है, इसका भी सेम है, इसमें भी एक्सपीड 7 का प्रोसेसर है जो Z8 में है, तो इसलिए ये कैमरा इतना फास्ट फोटो खींच सकते है और ये इतना केपेबल है। तो जो भी निकॉन में इन्वेस्ट करना चाहते थे और चाहते हो और आपका बजट उतना नहीं है कि Z8 खरीदे, तो डेफिनेटली Z63 खरीदना, Z62, Z6, Z72 इनमें इन्वेस्ट मत करो, उसमें करो। हाँ, अगर हो सकता है तो Z73 अगर जब भी आएगा तो उसके फीचर्स हम देखेंगे कि क्या ये ऑलमोस्ट सेम है या इससे बेटर है। तो अब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू।